Hey guys, welcome back to my channel. Hope you are doing great as always. So guys, आज मैं बनाने वाला हूँ white sauce pasta. मतलब मैं ही बनाने वाला हूँ. मेरे कुप्पिया बना रहे हैं. So ये हम लोगों ने पास्ता उबाल दिया है, ठीक है. और एक सेकंड हल्का. और ये है सब्जियाँ. सो गाइस, बहुत मतलब मिनिमम सब्जियां पड़ी है घर में. मेरा पता नहीं मन हो गया वीकेंड पे पास्ता खाने का. तो अभी आ गए हमारे कुक भैया अपना मास्टर होटल मफलर. तो हटाओ गमछा. तो ये बना रहे हैं पास्ता एंड इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है पास्ता में. कहते 2 किलो दूध डलेगा. अच्छा खासा 1 किलो दूध पड़ा. कह रहे नहीं 2 किलो डलेगा. देखते हैं कौन सा बन रहा है. और उस साइड बन रहा है गाजर का हलवा. सर्दियाँ जा रही है और मम्मी को अब याद आ रहा है गाजर का हलवा बनाना. बट चलो ठीक है. तो अब क्या क्या डाल दिया इसमें? इसमें डाला पहले मक्खन, फिर लहसुन डाला चॉप करके, उसके बाद मैदा डाला. ओके. इसको भूनेंगे, थोड़ा ब्राउन करेंगे, उसके बाद दूध डालेंगे. सॉस तो ब्राउन हो जाएगी फिर. इतना भूनोगे तो नहीं होगा, वाइट ही रहेगा. अच्छा, शिमला मिर्च और काट दो है तो था बहुत है. रोकली हमें घर का रोकली डालो. रेड क्या डालना है? रेड व्हाइट शिमला मिर्च जो होते हैं. रोकली 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 ब्रोकली ब्रोकली. सुबह से हमारे घर में काली मिर्च का पाउडर खत्म हो गया है. तो अभी हम लोग कूट के डाल रहे हैं. है भी काली मिर्च तो है. तो अभी कूट के डाल रहे हैं. अंकल आंटी कहाँ चलेगी? सारा डाल दो. सारा अरे ढूंढ़ा, स्वाद भी तो होना चाहिए. सारा डाल दो. सारा डाल दो पास्ता तो. सारा डाल दो, छोड़ो मत बिल्कुल. इधर पिंकी ने तेल नहीं डाला यार. तो गाइस पास्ता रेडी हो चुका है व्हाइट सॉस. और ये रहे रंजीत भैया. दिखाइए अरविंद केजरीवाल के बने हो. दिखाइए पास्ता. सो गाइस कुछ पास्ता ऐसा दिख रहा है शक्ल में. टेस्ट में भी अच्छा होना चाहिए. दो किलो दूध डाला है. बहुत टेस्टी है. गिराओ मत यार एक ही पास्ता की कीमत. तुमने समझोगे बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ता. चेक करो पहले. बढ़िया पता चल गया मेरे को. चम्मच से खा के देखो. मैं नहीं खाता. तो गाइस हम ट्राई करने वाले हैं पास्ता गरम है लेकिन चला नहीं. ऑसम गाइस बहुत मजेदार. इसका आपको ओल्ड मांग तो बनती है. बनती है इस पर. तो आपको ओल्ड मांग जरूर मिलेगी.